हे क्यूरियस पीपल्स, आज मैं ब्रह्मांड की सबसे अजीब जगहों में से एक ब्लैक होल्स के बारे में बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो पर आप लोगों से सजेशंस मांगे थे, तो मेरे ही एक सब्सक्राइबर शिवांशु जयसवारा ने मुझे ब्लैक होल सजेस्ट किया। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा। ब्लैक होल्स यानी श्याम विवर ब्रह्मांड की ऐसी जगहों में से एक है जहां की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी चीज इससे बचकर नहीं निकल सकती, यहां तक लाइट यानी प्रकाश भी नहीं। सो मैं हूं क्यूरियो और चलिए आज मेरे साथ ब्लैक होल्स की सैर करते हैं। सो लेट्स बिगिन। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज ब्लैक होल बन सकती है। अगर मैं मैथ के नजरिए से कहूँ तो किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी ग्रेविटी भी उतनी ज्यादा होगी। समझिए, ब्लैक होल सिंपली एक डेंस ऑब्जेक्ट है जिसके घनत्व के कारण वह स्पेस टाइम को बेंड कर देता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत बहुत कॉम्प्रेस कर दें तो वह ब्लैक होल बन सकता है। अगर हम अर्थ को एक टेनिस बॉल तक कॉम्प्रेस कर दें तो यह भी ब्लैक होल बन जाएगी। बट हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यह ब्रह्मांड में पहले से ही होता आ रहा है। जब किसी तारे की डेथ हो जाती है जो कि सूर्य के कंपैरिजन में लाखों गुना बड़ा होता है, तब हम उसे सुपरनोवा कहते हैं और वह तारा खुद में ही कोलैप्स करने लगता है और उसका घनत्व बढ़ने लगता है। छोटा होते होते इतना छोटा हो जाता है कि वह एक सिंगल पॉइंट बन जाता है जिसे साइंटिस्ट सिंगुलैरिटी कहते हैं। अगर उस पे कोई चीज़ गिर जाए तो वह बाहर नहीं निकल सकती। वो ब्रह्मांड के कुछ ऐसे दानवों में से हैं जो कि वो सब कुछ खा जाता है जो भी उसकी रेंज या इवेंट होराइजन में आता है। इवेंट होराइजन बेसिकली वह बाउंड्री है जहाँ से लाइट बचकर नहीं जा सकती। मतलब उसके पहले लाइट बचकर जा सकती है पर इवेंट होराइजन के बाद से नो चांस। अब आप इस इमेज को देखिए, यह ब्लैक होल की पहली रियल इमेज है। इसमें बीच में आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसमें लाइट चली तो जाती है पर बाहर नहीं आ पाती है। ब्लैक होल के जरिए आप टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं क्योंकि वह स्पेस और टाइम को बेंड करते हैं। जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास रहेगा वो टाइम को स्लो एक्सपीरियंस करेगा। मान लीजिए कि आप एक स्पेसशिप में इवेंट होराइजन से दूर किसी सेफ जगह पर ब्लैक होल का चक्कर काट रहे हैं तो स्पेसशिप के अंदर टाइम स्लो चलेगा। इन कंपैरिजन टू अर्थ, अगर आप ब्लैक होल का एक वीक तक चक्कर लगाओगे और पृथ्वी पर वापस आओगे तब पृथ्वी पर कुल 100 साल के आसपास बीत चुके होंगे अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंग्स। और अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे तब आप सिंपली नहीं मरोगे, पहले आपका जो नीचे वाला पार्ट है जो कि ब्लैक होल के पास है वो रबड़ की तरह स्ट्रेच होगा क्योंकि वो ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करेगा इन कंपैरिजन टू आपके सर के, और आपके शरीर के सारे मॉलिक्यूल बिखर जाएंगे और फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी। बट डोंट फियर व्हेन क्यूरियो इज हियर, क्योंकि जो पृथ्वी का नियरेस्ट ब्लैक होल है वो हजारों लाइट ईयर्स दूर है इस सौर्य मंडल से जो कि सिग्नस X1 है। यह करीब 6070 लाइट ईयर्स दूर है और उसका मास सन के कंपैरिजन में 15 टाइम ज़्यादा है और हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अभी, और अगर इस वीडियो पर 50 लाइक्स आते हैं तो मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। और हाँ,
इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। और रुकिए रुकिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने सजेशंस दीजिए, और अगर मुझे वह टॉपिक क्यूरियोसिटी से भरा मिला तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा। बाय बाय।